हेलो फ्रेंड्स, मैं लंबर साहू यूट्यूब के सोल्यूशन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने कंप्यूटर को फास्ट चला सकते हैं, कैसे आप उसको और स्पीड में चला सकते हैं। जैसे कि हम रोज़ जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके जो टेम्प्रेरी फाइल होती हैं उनको हम डिलीट्स नहीं करते हैं, जिस कारण हमारा कंप्यूटर जो है स्लो चलने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने टेम्प्रेरी फाइल्स होते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को जो है स्पीड चला सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ कमांड्स फाइल होती हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं या फिर मैं जो है यहाँ पास नोट पैड में आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम आपका बता देते हैं कि इसको कमांड फाइल में जाने के लिए सबसे पहले हमें विंडो की के साथ R दबाते हैं, जिससे कि हमारा रन जो फाइल जो है ऑन हो जाता है। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं, सबसे पहला कमांड फाइल हमारा कमांड जो आ जाता है, पहला है वो %temp%, उसके बाद हम इसे इंटर कर देते हैं या ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारी फाइल्स है, जो कि फाइल है, वो हमारे जो हमारे कोई काम की नहीं, ये फाइल जो टेम्प्रेरी फाइल जो है, जो हम ओपन किए होते हैं और उस वो जो कटता नहीं है वो फाइल हमारे सामने आ गए, तो हम इसे Ctrl+Alt सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गई। जैसे कि एक आध फाइल नहीं होते, वो नेक्स्ट बार में आप जैसे करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी। जैसे कि अब सेकेंड कमांड जो फाइल है वो आ जाएगा आपका Only temp, then enter and select all and then delete, फिर से कट कर देते हैं। अब हमारा जो थर्ड जो है कमांड फाइल है वो आ जाता है आपका recent, 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 और ओके कर देते हैं। ये आ गया हमारे जो फाइल्स हैं, इसको भी सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। जैसे कि इसमें कभी पूरा ऑल जब करते हैं तो डिलीट नहीं होता, तो हम उसे कुछ कुछ करके डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिलीट। कभी कभी ये यह दिक्कत करती है कि डिलीट तो हो जाती है फोल्डर, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो गायब हो जाती है। और हमारा चौथा जो कमांड है वो है डिस्क क्लीनअप, विंडो की प्लस R एंड D डिस्क क्लीनअप। जैसे हम डिस्क क्लीनअप करेंगे, या फिर आप यहाँ से, अगर ये डिस्क क्लीनअप आपका नहीं हो पाता तो आप जो है यहाँ पास आ सकते हैं मेनू में और सर्च बार में जाकर जो है डिस्क क्लीनअप जो है आप सर्च करा सकते हैं, या फिर विंडो 8 जो में है वो डिस्क क्लीनअप शो नहीं कर रहा है। तो आपका जो आप जो भी यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो XP या 7, उसमें आप डिस्क क्लीनअप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये सब यूज़ नहीं करके आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है सी क्लीनर करके, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। हमारे एक वीडियो में दिखाया गया कि आप सी क्लीनर को कैसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से भी, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।